दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक का खेलों से आज ये पहला परिचय नहीं है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जावर में हमारा एक फुटबॉल स्टेडियम है जो बहुत पुराना है, और हर साल शर्मा जो तैराकी के क्षेत्र में है, और जब्बार मोहम्मद जो एक डेफ एंड डंप है और एक वॉलीबॉल खिलाड़ी है, उनको भी हमने पहले सम्मानित किया है, उनका प्रोत्साहन बढ़ा है। अगर हम वेदांता ग्रुप को देखें तो वेदांता ग्रुप का गोवा में एक फुल फ्लेज्ड एक फुटबॉल एकेडमी है, और अगर हम इंडिया के बाहर देखें तो जाम्बिया में भी वेदांता ग्रुप फुटबॉल, गोल्फ, स्क्वाश और टेनिस को प्रमोट कर रहा है। कंपनी ने मेरे पे विश्वास किया है कि मैं जिस फील्ड में लगी हूँ इसकी ऊंचाइयाँ और ऊंचा जा सकती हूँ, और इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए जो सहयोग, जो विश्वास हिंदुस्तान जिंक ने मुझे दिखाया है, इसके लिए मैं आभारी रहूंगी। जैसे कि साहब बता रहे हैं कि मैं नीचे जब आ रही हूँ तो सीढ़ियों पे जो ये फोटोग्राफ्स वगैरह जो लगी हुई हैं आपके सामने हैं, सर ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप बार बार इसी मेडल के साथ आगे आएं, देश का नाम रोशन करें। तो मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, एज ए एथलीट जब ग्राउंड में हम अपना कदम रखते हैं तो हमारी सोच या हमारा विश्वास या दिल से 100% हम इसी में जुटे रहते हैं कि गोल्ड मेडल के साथ अपने देश का नाम रोशन करें। और अब जब वेदांता ग्रुप की हिंदुस्तान जिंक कंपनी के साथ जुड़ी हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा हौसला मिला है, ताकि मैं आने वाले एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में, और जब ये पार्टिसिपेशन करती हूँ तो हिंदुस्तान जिंक का मेरे ऊपर बहुत बड़ा ये हाथ है। तो विश्वास दिलाना चाहूँगी कि आपकी कंपनी के साथ जुड़ी हूँ तो आपका नाम रोशन करूँ। और जैसे जैसे मुझे पता चला कि फुटबॉल अकेडमी है या इंटरनेशनल कुछ और भी एथलीट रहे हैं, जिनमें से माला सुखवाल जी हैं या विश्व वेट लिफ्टर जो चैंपियन रही हैं, और तैराकी में जो भक्ति शर्मा है या जब्बार मोहम्मद जी हैं, और भी काफ़ी एथलीट हैं जिनको आपने स्पॉन्सर्स किया है, और आप एक सामाजिक कार्य में भी जो है कि आप हिस्सा लेते रहते हैं। और जब मुझे स्पॉन्सरशिप करने का जब मौका लगा तो मुझे लगता है कि आजकल जब हम अपने देश में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज देख रहे हैं लेडीज के लिए, तो उसमें मुझे एक स्टेप ये भी लगा कि कंपनी मुझे आगे लेके आ रही है, इसका मतलब समाज में लेडीज के सामने भी कुछ वो अपना एक उदाहरण देना चाहती है कि लेडीज आगे आए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। और हिंदुस्तान जिंक को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप औरतों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, खासकर एथलीटों के लिए। आप सबका आभार, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम हिंदुस्तान जिंक कृष्णा पुनिया जी के साथ जुड़ा है, जिन्होंने कि देश का सम्मान बढ़ाया। अब जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है उनके साथ जुड़े तो हमारा अपना सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और जहाँ तक हिंदुस्तान जिंक का सवाल है, हिंदुस्तान जिंक जैसा पवन ने बताया कि गेम से जुड़ा है, बट शायद लोगों को पता नहीं हो कि हिंदुस्तान जिंक सबसे पहले जो गेम से जुड़ा था वो लिंबाराम जी के साथ में जुड़ा था, जबकि वो तीरंदाज थे। और वो हिंदुस्तान जिंक जब पब्लिक सेक्टर कंपनी थी तो सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक ने उनके साथ अपना जुड़ा था वो, और स्पॉन्सरशिप थी या क्या पता, मेरे को आइडिया नहीं, बट ही वॉज अटैच टू हिंदुस्तान जिंक। और जब हम कहीं जाते तो उनके फोटो देखा करते थे हिंदुस्तान जिंक के ऑफिस में। और जो कृष्णा पुनिया जी के साथ हम लगे हैं तो हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम इसको हर तरह से सपोर्ट करेंगे और ये देश का और नाम बढ़ाएंगे, देश को सम्मान दिलाएंगे। ये हमारी पूर्ण इच्छा है, शुभकामनाएं हैं। ये और जो यूरोप या अमेरिका या कोई भी कंट्री बाहर के एथलीट हैं, उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, वहाँ पे जो बच्चे स्कूल लेवल के होते हैं, जो फिफ्थ में या सिक्स में, एट्थ में, वहाँ पे स्पोर्ट्स स्टार्ट कर देते हैं, एक तो प्लस पॉइंट ये है। एक वहाँ की जो डाइट है वो स्पोर्ट्स डाइट है, जो कि हमारे देश में आज तक नेशनल कैंप में भी वो डाइट नहीं है जो एक स्पोर्ट्स मैन को मिलनी चाहिए। दो कारण ये, और सबसे बड़ा कारण है जो छोटे बच्चे उनको, जो वहाँ ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन जो खुद रहे हैं वो कोचिंग देते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मेरे आईडी से ये विचार।
बिल्कुल हर एथलीट की जैसे ओलंपिक में पदक जीतने की होती है उसी तरह मेरी वो है, लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि इस साल होने वाली एशियन चैम्पियनशिप और उसके दौरान उस बीच में ओलंपिक के बीच में जो भी कंपटीशन होंगे, चाहे वो एशियन गेम है या कॉमनवेल्थ गेम है, मैं हर खेल में अपनी भागीदारी दिखाना चाहूँगी।